नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रिश में। दोस्तों, रेलवे ने जो ग्रुप डी के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब ग्रुप डी में भी अब CBT 2 लिया जाएगा, उसके लेकर के खान जीएस रिसर्च सेंटर ने यहाँ पे महाप्रोटेस्ट का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं, अभी अभी उन्होंने ट्वीट किया है, यहाँ पे लिखे हैं इंट्रोड्यूसिंग CBT 2 इन रेलवे ग्रुप डी आफ्टर 3 ईयर्स स्टेपफुल एक्ट बाई RRB they should apply to the student for not give the exam till now, but they are just planning how to delay and harass the student। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हैशटैग लगाए हैं नो CBT 2 इन ग्रुप डी और हैश RRB NTPC। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे अटैच किए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो रेलवे ने ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो ग्रुप डी में एक बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं, उसके लेकर के ये महाप्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों आप लोग पता ही होगा कि पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास में यहाँ पे छात्रों ने दिन भर ट्रेन को रोके रहा और शाम को स्टूडेंटों के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया और उन्हें लाठी चार्ज करके और आंसू गैस छोड़ करके उनको भगा दिया गया। तो दोस्तों ये स्टूडेंट पर बहुत ही अन्याय हो रहा है और इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर महा आंदोलन की शुरुआत हो चुका है और इसका जो डेट रखा गया है 26 जनवरी को रखा गया है। तो दोस्तों इस ट्विटर महाप्रोटेस्ट में आप जरूर शामिल हों, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार छात्रों के भविष्य को अनदेखा करते हुए लगातार छात्रों के विरुद्ध डिसीजन लेते जा रहे हैं। उधर RRB NTPC ने उन्होंने 7 लाख का करके मात्र 3.84 लाख ही रिजल्ट दे सके। आप लोग इस महाप्रोटेस्ट में जरूर शामिल हों, क्योंकि छात्रों की भविष्य की सवाल है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और ट्वीट के माध्यम से यहाँ पे और उन्होंने बोला है, क्या आप रेलवे ग्रुप डी के बदलाव जिसे अब CBT 2 दे देना होगा खुश हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड रिट्वीट करके बताएं एवं रेलवे बोर्ड तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों इस जो खान सर का यहाँ पे ट्वीट किया गया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करें, जिससे सब आवाज़ को रेलवे बोर्ड और माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।